जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस अब यहाँ पे अम्मा के श्राद्ध की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैं पनीर को पनीर के पीस कर रही हूँ। और ये सुबह मॉर्निंग का ही है, 5 बजे का टाइम होगा शायद। तो क्योंकि है ना 7:30 बजे तो मुझे एकदम प्लेट तैयार करनी है, क्योंकि जो ब्राह्मणी है उन्होंने बोल दिया था कि वो मतलब 8 बजे तक उन्हें फ्री करना है, मैं 7:30 बजे तक हमें तैयार करना है। तो मैंने कहा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पनीर के पीस काट दिए हैं और इसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी गाइस। यहाँ पे एक साइड में मैं पूड़ियों को सेक रही हूँ और दूसरी साइड में मैं हवन के लिए मैंने कंडी रख दी है, जिस पे मैं हवन करूँगी अम्मा का। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ गाइस। और सुबह इतनी मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे मेरी खीर बन गई है, मैंने खीर बना ली है। और इधर मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली है और इधर गोभी आलू की सब्ज़ी और रायता भी बन गया है। तो यहाँ पे गाइस मम्मी पापा का टिफिन तैयार है और देखिए दूसरे पंडित जी भी खाना खा रहे हैं। अम्मा का श्राद्ध हो चुका है और जो ब्राह्मणी थी वो भोजन करके जा चुकी हैं, क्योंकि उनको जल्दी थी और उन्होंने बोल दिया था कि मुझे 8 बजे तक फ्री कर देना। तो मैंने 7:30 बजे तक पूरा मेरा पूजा वगैरह सब हो गई थी। और वो तो कहीं यहाँ पे अम्मा का महावर लगा लिया है, जो पूजा करनी थी खाना खिलाना था वो कर दिया है, हवन वगैरह कर दिया है मैंने। और महावर वगैरह लगाना था वो मम्मी के लिए भी रख दिया और मैंने भी लगा लिया है। और गाइस ये पंखा है ना, ये पंखा और ये जो अलमारी स्टैंड है ना प्लास्टिक वाली, ये जो टीवी या एसी के रिमोट होते हैं ना उसी में रख जाते हैं तो आसानी से मिल जाते हैं। वरना घर में कितना भी रैक हो कुछ भी हो सब कुछ बिजी हो जाता है। तो जो हमारी टीवी है ना, तो वो टीवी मेरे हस्बैंड की जान है, क्योंकि टीवी और फ्रिज उनको उनकी जब जिस कंपनी में वो सर्विस करते थे वहाँ उनको ये मतलब मिला था उनके उनके काम के लिए, अच्छे काम के लिए। तो टीवी और फ्रिज उनको गिफ्ट में मिला था और तो उनको बहुत प्रिय है टीवी और फ्रिज। और ये जगह आप कहोगे मैं ये जगह गाइस, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये जगह मेरी फेवरेट है। और मैंने चाय बना के पी ली है, क्योंकि खाना तो अभी नहीं खाऊँगी क्योंकि मम्मी के पास खाना पहुंच जाएगा, मम्मी देली की पूजा कर देंगी, चढ़ा देंगी, मम्मी पापा खा लेंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। तब तक मैंने चाय बना के पी ली है। तो गाइस मिलते हैं फिर। तो बच्चे गए स्कूल, बच्चों का भी लंच वंच सब तैयार कर दिया, भेज दिया सब कुछ। और अब मैं बैठूंगी अपनी ब्लाउज बनाने और एक दो साड़ियों पर फॉलोअप रखेंगे उनको करके, फिर मैं ब्लाउज मेरे रह गए बस। गाइस देख सकते हो माँ की हो रहा है सिर में दर्द, उसके बाद भी काम कर रही हैं। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, बहुत जरूरी है। यस गाइस लाइक करने में कंजूसी ना आई की कटिंग तैयार, अच्छा तैयार कर रही हैं। और ये हम लेके आए हैं मदन से, मदन अंकल की दुकान से। और ये सुर भी बैठी है दरी, मैं भी सामने बैठा हूँ एकदम। तो गाइस मेरी तरफ से सभी को कल नव दुर्गा की शुभकामनाएं और माता रानी सभी के घर में विराजमान रहें और सभी को खुश रखें। तो जय हिंसा की।